क्षेत्र के गोसौरा कला स्थित दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज में 74वें गणतंत्र दिवस की जबरदस्त धूम रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तहसीलदार मेजा विशाल शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और सभी को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बच्चों एवं शिक्षकों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट के माध्यम से अपने अनुशासन और बेहतरीन समन्वय का प्रदर्शन किया। छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनमोहक नृत्य करके सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया तथा गीत गायन के माध्यम से बच्चों ने सर्वप्रथम समभाव की भावना को प्रदर्शित किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि विशाल शर्मा ने कहा कि यह विद्यालय मेजा के बच्चों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर स्वतंत्र मिश्रा ने सभी को देश की प्रगति में अपना योगदान देने की अपील किया। प्रबंधक ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान लागू किया गया था। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान अपनाया था। वो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली में से लागू किया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग अरे वो खून की धारा याद कर ले, वो खून की धारा याद कर ले। जोरदार तालियां बच्चों। एक खास से मेरा भी जन्मदिन गांव को, हमारे विद्यालय को, हमारे शिक्षकों को और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को इतना समय दिया और अपना एक अमूल्य योगदान दिया आकर के, अपना प्रीशियस टाइम दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ और चाहूंगी कि इस तरीके से आपका मार्गदर्शन बच्चों।